हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पंकज फिजिक्स गुलाटी। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे सुपर कंडक्टिविटी से रिलेटेड एक और इम्पॉर्टेंट टर्म के, जिसका नाम है आइसोटॉपिक इफेक्ट। स्टूडेंट्स, सुपर कंडक्टिविटी को डिस्कवर किया था हाइक कामरलिंग ऑनेस ने 1911 में, जब उसने देखा था कि जब मरकरी का टेम्परेचर कम किया जाता है और 4.2 केल्विन पर आकर मरकरी जो है वो अपना रेजिस्टेंस जो है वो लूज कर जाता है, उसका रेजिस्टेंस जीरो हो जाता है, मींस उसमें करंट जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, मींस वो बन जाता है सुपर कंडक्टर। तो स्टूडेंट्स, सुपर कंडक्टिविटी डिस्कवर होने के बाद सुपर कंडक्टिविटी पर अलग अलग साइंटिस्ट जो है वो रिसर्च करते रहे, और 1950 में मैक्सवेल और रेनॉल्ड्स नाम के दो साइंटिस्ट ने, जब वो मरकरी के डिफरेंट आइसोटॉप्स के क्रिटिकल टेम्परेचर को फाइंड आउट करने का अटेम्प्ट कर रहे थे, मीन्स प्रयास कर रहे थे, तो उन्होंने ये देखा कि जो क्रिटिकल टेम्परेचर है वो आइसोटॉप मास के साथ वैरी हो रहा था। डिफरेंट आइसोटॉप्स ऑफ मरकरी वाज हैविंग डिफरेंट क्रिटिकल टेम्परेचर्स, और जैसे जैसे आइसोटॉपिक मास बढ़ता जा रहा था वैसे वैसे क्रिटिकल टेम्परेचर कम होता जा रहा था। मीन्स जो क्रिटिकल टेम्परेचर होता है वो आइसोटॉप मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इसी इफेक्ट को बोला जाता है आइसोटॉप इफेक्ट। क्रिटिकल टेम्परेचर और आइसोटॉपिक मास एम के बीच में एक रिलेशन होता है, वो रिलेशन मैक्सवेल और रेनॉल्ड्स ने दिया था 1950 में। तो आइसोटॉपिक इफेक्ट जो आपको आएगा या 3 या 4 नंबर में आएगा, उसमें आपने कितना लिखना है, एक तो आपने बताना है कि किसने डिस्कवर किया था ये इफेक्ट, उसकी डेफिनेशन क्या है, और ग्राफ कैसा आता है क्रिटिकल टेम्परेचर और आइसोटॉपिक मास के बीच में। तो चलिए स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं आज का टॉपिक, आइसोटॉपिक इफेक्ट। तो स्टूडेंट्स, आइसोटॉप इफेक्ट के बारे में आपने क्या लिखना है, द आइसोटॉप इफेक्ट वाज डिस्कवर्ड इन 1950 बाय मैक्सवेल एंड रेनॉल्ड्स व्हाइल दे वर ऑब्टेनिंग क्रिटिकल टेम्परेचर्स ऑफ डिफरेंट आइसोटॉप्स ऑफ मरकरी। मरकरी के डिफरेंट आइसोटॉप्स होते हैं, आइसोटॉप्स क्या होते हैं, दे आर द एटम्स ऑफ सेम सब्सटेंसेस हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। तो स्टूडेंट्स, उन्होंने डिफरेंट आइसोटॉप्स ऑफ मरकरी का क्रिटिकल टेम्परेचर ऑब्टेन करने की कोशिश की, तो उन्होंने इस कोशिश में क्या देखा, अकॉर्डिंग टू आइसोटॉपिक इफेक्ट द क्रिटिकल टेम्परेचर टीसी ऑफ सुपर कंडक्टर्स वेरीज विद आइसोटॉप मास अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग रिलेशन। जो क्रिटिकल टेम्परेचर है किसी भी सुपर कंडक्टर का वो डिफरेंट आइसोटॉप्स के लिए डिफरेंट रहता है, और जो क्रिटिकल टेम्परेचर का रिलेशन होता है आइसोटॉपिक मास एम के साथ वो इस रिलेशन के अकॉर्डिंग वेरी करता है। टी सी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/m की पावर अल्फा। टी सी है क्रिटिकल टेम्परेचर, एम है आइसोटॉप मास। यहाँ पर स्टूडेंट्स, इसको आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, क्रिटिकल टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आइसोटॉपिक मास। यहाँ पर अल्फा जो है स्टूडेंट्स एक नंबर है, एक न्यूमेरिकल नंबर है, जिसको आइसोटॉप कोफिशिएंट बोला जाता है। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे तो कांस्टेंट लगेगा, मींस टीसी और एम अल्फा को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, मींस टीसी इनटू एम अल्फा इक्वल टू कांस्टेंट, मींस जो क्रिटिकल टेम्परेचर रहेगा और जो आपका आइसोटॉप मास का जो प्रोडक्ट होगा वो कांस्टेंट होगा। यहाँ पर स्टूडेंट्स, अल्फा जो है वो डिफरेंट सुपर कनेक्टर्स के लिए डिफरेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल, मरकरी के लिए जो अल्फा की वैल्यू होती है वो 0.5 रहती है, और जिंक के लिए 0.3 रहती है, और डिफरेंट सुपर कनेक्टर्स के लिए इसकी वैल्यू जो है वो 1 से कम रहेगी। तो स्टूडेंट्स, ये है आइसोटॉप इफेक्ट। अब हम इसी को स्टूडेंट्स ग्राफिकल फॉर्म में देखेंगे कि टीसी जो है वो एम के साथ कैसे वैरी करता है, मींस क्रिटिकल टेम्परेचर और आइसोटॉप मास का जो ग्राफिकल रिलेशन है वो कैसा रहता है। तो स्टूडेंट्स, हुआ क्या था कि रेनॉल्ड्स और मैक्सवेल 1950 में डिफरेंट आइसोटॉप्स ऑफ मरकरी का क्रिटिकल टेम्परेचर फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे थे। जब उन्होंने मरकरी का वो वाला आइसोटॉप जिसका आइसोटॉपिक मास था 199.5 AMU, तो उन्होंने जब उसका क्रिटिकल टेम्परेचर फाइंड आउट किया तो उन्होंने देखा कि इस टेम्परेचर पर आकर 4.185 केल्विन पर आकर ये जो मरकरी है जिसका आइसोटॉपिक मास जो है वो 199.5 AMU है, वो सुपरकंडक्टर बन जाता है। जब उन्होंने दूसरा आइसोटॉप लिया मरकरी का जिसका आइसोटॉपिक मास था 203.4 AMU, तो उसके लिए उन्होंने देखा कि क्रिटिकल टेम्परेचर जो है वो कम हो गया, वो कम वैल्यू ऑफ टेम्परेचर पर सुपरकंडक्टर बन गया, और उसके लिए जो वैल्यू निकली क्रिटिकल टेम्परेचर की वो थी 4.146 केल्विन। तो मीन जैसे जैसे
आइसोटॉपिक मास बढ़ता जा रहा था मरकरी के आइसोटॉप्स का, वैसे वैसे क्रिटिकल टेम्परेचर की वैल्यू कम होती जा रही थी। तो स्टूडेंट्स, क्रिटिकल टेम्परेचर जो होता है वो आइसोटॉपिक मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर हम ग्राफ प्लॉट करें लॉग ऑफ आइसोटॉपिक मास एम और लॉग ऑफ क्रिटिकल टेम्परेचर टी सी के बीच में, तो आपको ऐसा कर्व देखने को मिलेगा, डिक्लाइनिंग कर्व देखने को मिलेगा। मीन जैसे जैसे आइसोटॉपिक मास बढ़ेगा वैसे वैसे क्रिटिकल टेम्परेचर कम होता जाएगा। तो स्टूडेंट्स, आप एक ग्राफ ही बना के आएंगे, और अल्फा एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, इसकी वैल्यू जो है वो डिफरेंट सुपरकंडक्टर्स के लिए डिफरेंट रहती है। मैंने आपको बताया था कि मरकरी के लिए इसकी वैल्यू होती है 0.5 और जिंक के लिए इसकी वैल्यू होती है 0.3, और डिफरेंट सुपरकंडक्टर्स के लिए डिफरेंट वैल्यू रहती है अल्फा के लिए। तो मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स आपके लिए लेक्चर यूजफुल रहा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।